फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बाबा रामदेव का नया रूप देखेंगे अपन। हमारे डॉक्टर नीरज जी भी इसकी महिमा बताते जा रहे हैं। मिट्टी के साथ जुड़े रहे, अपने माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, आसमान में कितने ऊंचे उठ जाए, कभी भी अपने भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए। और धरती माता की भूख में हम जहर न डालें, क्योंकि वही जहर से शाक सब्जियां अन्न ड्राई फ्रूट सब बन करके हमारे शरीर में आता है। तो मिट्टी को पवित्र रखें। इस प्रकृति की पूजा का मतलब, हम कोई अग्नि पूजक नहीं है, हम कोई नीम की पीपल की तुलसी की पूजा करने वाले कोई जड़ पूजक नहीं है। ये सारे इस पूरे अस्तित्व में एक ही चैतन्य सरोवर भरा हुआ है। ऐसे भाव से हम अपने पिंड में ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्म तत्व को देखें और इस प्रकृति में विकृति न आने दें, न तो फिर न कोरोना आएगा, न ब्लड प्रेशर शुगर, न कैंसर, न कोई रोग हमें सताएगा। जीते जी हम सुखी रहेंगे और जाते समय हम मोक्ष में ब्रह्मलोक में प्रयाण करेंगे। तो मेरा सबसे एक ही संदेश है, अपने तन का और तन का जो आधार है उस वतन की मिट्टी का हम ख्याल रखें और ऐसे जीवन को जिए। कबीर की भाषा में, मूर्ख रो लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, राम नाम रस ओम नाम रस भीनी। तो इस शरीर को जो भगवान की सौगात है, जब जाए छोड़ करके, तब कोई इसमें रोग ना हो, कोई विकार ना हो, ऐसा सब जीवन जिए। यही मेरी सबके लिए शुभकामनाएं। रोज योगाभ्यास करो और किसी को मठ थेरेपी का अवसर मिल सके तो जरूर घर में इसको अपनाएं, और जिनको ना मिल सके वो मेरे पास पतंजलि योगपीठ में योगा ग्राम में आ जाए। वहां जैसे मैंने बताया था ना, दीमक की मिट्टी, चिकनी मिट्टी, वो हजारों वर्ष पुरानी अच्छी मिट्टियों का हमने प्रबंध किया हुआ आपके लिए। और जब लॉकडाउन पूरा हो जाए तो मीनाक्षी जी आप भी आ जाना हरिद्वार। बिल्कुल, मैं अपने साथ सुशांत को भी लाऊंगी, अमित को भी लाऊंगी। आज दोनों भले यहाँ पर नहीं है, वो घर बैठे मुझे सुन ले कि स्वामी रामदेव की योग पीठ में मैं उन दोनों को साथ लेकर जाऊंगी, मैं लेके आ जाऊंगा। चलिए, कल बाबा रामदेव आपको बताएंगे कोरोना अगर पॉजिटिव हो जाए तो क्या करें, खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाएं, कौन सी आयुर्वेदिक दवा का सेवन करें, कौन सा योग करें। कल के शो में आपको इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत अकल्पनीय दृश्य के लिए, क्योंकि टीवी जगत के इतिहास में मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसा दृश्य कभी किसी ने नहीं देखा होगा जो आज इंडिया टीवी ने देखा। बहुत बहुत आपको प्रणाम, योगिक प्रणाम। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए आज कहां आतंकियों के लिए काल बनी सेना।